बच्चों के पालन पोषण में माँ की भूमिका की बात करते हैं, वहीं पिता की भूमिका कहीं माँ के आगे थोड़ी धुंधली होती सी जान पड़ती है। लेकिन समय की मांग के अनुरूप पिता भी अपनी परंपरागत भूमिका से बाहर आकर माँ और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाते नजर आते हैं। हमारी सोसाइटी बदल रही है, हमारी आप देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होता जा रहा है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट फैमिलीज यानी न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बन रही हैं। ऐसे में दादा दादी का चाचा चाची का जो सपोर्ट होता था के बारे में किताबों से अब सिर्फ माँ बाप और बच्चे रह गए हैं। ऐसे में माँ बाप का रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है और फादर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले फादर को शायद इतना ज़्यादा रोल नहीं था क्योंकि दादा संभाल लेते थे या घर में बहुत सारी औरतें हैं वो संभाल लेती हैं, दादी हैं, माँ हैं, मतलब चाची है। आज की डेट में पिताजी का रोल बहुत बढ़ गया है, फादर का रोल इसलिए बढ़ गया है बिकॉज मदर इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है मदर के साथ, अपब्रिंगिंग इकट्ठे करनी है, सो हिज रोल हैज बिकम रियली इम्पोर्टेंट नाउ। खुशी से फूले नहीं समाते। शादी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब दंपत्ति अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा और अहम फैसला होता है। शादी इटसेल्फ बहुत बड़ा स्ट्रेस है। सो सबसे पहले शादी के स्ट्रेस में जब आदमी एडजस्ट हो जाए तभी उसके बाद में उसे प्लान करना चाहिए बच्चे कैसे करें, और उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शंस और क्या क्या उसे प्रिकॉशन लेने हैं ये पहले से सोचना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि शादी होते ही लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो लोग अपनी रिलेशनशिप को भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। सो पहली प्रायोरिटी उन दोनों इंडिविजुअल की ये होनी चाहिए कि हम आपस में अपनी रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड उसके बाद में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बच्चे को करें और फैमिली को प्रोग्रेस करें। पहले जहाँ पिता से दूरी को आदर के तौर पर देखा जाता था, वहीं हर रिश्ते की ही तरह पिता और बच्चों के संबंधों में भी बहुत बदलाव आए हैं। अब पिता वक्त की मांग को स्वीकार करते हुए समय के साथ चलने को तैयार दिखते हैं। आजकल क्या है कि ट्रेडिशनली इंडिया में एक पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे मेल वर व्यूड एज अथॉरिटेटिव ब्रेड विनर्स जो कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वेज इंट्रोड्यूस करते थे, एंड दे वर यूज्ड एज आल्सो फैक्टर्स फॉर डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड कि पापा आ जाएंगे शाम को, पापा से कंप्लेन कर देंगे, और एक टाइप की पावर इम्बैलेंस सोसाइटी में या फैमिलीज में देखा जाता था जिसकी वजह से बच्चों का रेयरिंग में पालन पोषण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फादर का नहीं रहता था। आजकल विद फ्लेक्सिबिलिटी इन फैमिली स्टाइल्स एंड वर्किंग वीमेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर शेयर्ड हो रही है और फादर्स भी इक्वल रोल कह रहे हैं और मोर इंटरैक्टिव रोल अब देखा जा रहा है। आजकल के जो हम पेरेंट्स देखते हैं, इवन जो बच्चे हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, फादर्स आर इक्वली पार्टिसिपेटिव इन इंटरैक्शन एंड रेयरिंग अप ऑफ द चाइल्ड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। के बारे में किताबों से माँ जहाँ बच्चे को अपने गर्भ में रख कर उसका पालन पोषण करती है, वहीं पिता की भूमिका भी तभी से शुरू हो जाती है। बच्चे की जिम्मेदारी लेना किसी भी दंपत्ति के लिए एक बड़ा फैसला होता है और इस फैसले को काफ़ी सोच समझकर लेना चाहिए। बच्चे के आने से पहले दंपत्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नए आने वाले मेहमान के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी फादर का रोल होता है, मैं समझता हूँ, मतलब मैंने जितने भी इस तरह के फादर से बात की है, उनके साथ काम किया है, एक बहुत ही मिला जुला मिक्स्ड रिएक्शन होता है। एक तरफ तो उनको जैसे ही न्यूज़ ये पहुँचती है कि प्रेगनेंसी है तो सारे वुड बी फादर्स खुशी से फूले नहीं समाते, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब उनको लगता है कि मतलब उनको ये बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशी लगती है, वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश, बहुत हैप्पी फील करते हैं। पर साथ ही साथ जब वो ये अनुभव करते हैं कि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, अब वो इतने फ्री नहीं हैं कि अपने दोस्तों में घूमें, या अब उनकी लाइफ में भी उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो जो मर्जी चॉइसेस लें, वो अपने करियर को निग्लेक्ट करें। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए जो अपने जॉब को, उसके स्ट्रेस को लेकर बहुत परेशान हैं।
अगर वो जब तक इंडिपेंडेंट होते हैं, फैमिली की जिम्मेवारी नहीं होती, फादर नहीं बनते हैं, तो वो बहुत ही एक स्वतंत्रता महसूस करते हैं कि ठीक है नहीं पसंद आया तो हमने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके दिमाग में इतने सवाल उठते हैं और वो उनके लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता। वुड बी फादर के लिए टिप्स, गर्भावस्था के बारे में किताबों से, इंटरनेट और सभी उपलब्ध संसाधनों से ज्यादा जानकारी अर्जित करें। पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक पिता को ये भी निर्णय करना होता है कि वो बच्चे को कैसे मूल्य देना चाहता है। गर्भवती पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आज के भौतिकवादी परिवेश में जरूरतों के हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्किंग होते हैं। ऐसे में फैमिली को आगे बढ़ाने का फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में करियर में पिछड़ जाने का डर होता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक पति की, जो कि आने वाले बच्चे की पिता की भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार हो और साथ ही गर्भवती पत्नी का भी पूरा ध्यान रखे। फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, तो हस्बैंड वाइफ घर में रह गए, तो एक कपल रह रहा है, दोनों वर्किंग है। अब वाइफ जॉब से आ रही है एंड शी इज प्रेग्नेंट, शी स्ट्रेस्ड। हस्बैंड यानी कि फादर जॉब से आ रहे हैं, ही इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, और उसमें तनाव का माहौल घर में हो सकता है, बिकॉज बोथ पीपल आर स्ट्रेस्ड एंड प्रेगनेंसी इट्सेल्फ काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, काफ़ी स्ट्रेसफुल एक टाइम होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फादर जो हस्बैंड है वो टाइम आउट टाइम निकाले वाइफ को ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए, उसे घुमाए, उसके खाने का ध्यान रखे, उसको एंटरटेनमेंट, ताकि थोड़ा सा मूड उसका अच्छा रहे, उसका ध्यान रखे, रेगुलर चेकअप्स के लिए वाइफ को ले जाए, और वाइफ को इनक्रेज करे, उसको सपोर्ट करे उस टाइम में, और ज़रूरत पड़े तो वाइफ मतलब छुट्टियाँ मिली जाएँ अगर ज़रूरत पड़े तो।